नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। देश के नंबर वन हिंदी न्यूज चैनल के नंबर वन शो कच्चा चिट्ठा में आप सभी का स्वागत है। कच्चा चिट्ठा की शुरुआत उस खबर से जिसने इसराइल को 54 दिन बाद फिर खून के आंसू रुला दिया। ऐसा लगता है जैसे युद्ध विराम टूट गया है। हमास ने एक बार फिर इसराइल पर 7 अक्टूबर जैसा भीषण हमला किया और इसराइल कुछ नहीं कर पाया। हमास के सिर्फ 2 लड़ाकों ने यरूशलम में घुसकर दिन दहाड़े निहत्ते इसराइलियों को गोलियों से भून डाला। हमास के इस खौफनाक, खतरनाक, खूनी हमले के बाद नेतन्याहू अब फुल एक्शन मोड में है। हमास ने सीज फायर समझौते के चीथड़े उड़ा दिए। इसराइल के घर में घुसकर हमास ने दोबारा 7 अक्टूबर जैसा हाहाकार मचा दिया। हमास के अंदर का हैवान जाग उठा और इसराइल बस हाथ मलता रह गया। उसकी पुलिस, सेना, सरकार, सुरक्षा एजेंसियां, खुफिया एजेंसियां, कोई कुछ भी नहीं कर पाया। दिन शुरू ही हुआ था कि सुबह सुबह हमास के 2 लड़ाके गोला बारूद से भरी एक कार लेकर इसराइल के यरूशलम के एक बस स्टैंड पर पहुंचे। वहां लोग बस के इंतजार में खड़े थे, तभी हमास के दोनों लड़ाके कार से उतरे और पिस्तौल और असॉल्ट राइफल से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। दिन दहाड़े खुलेआम हमास ने इसराइल के बीच सड़क पर कोहराम मचा दिया। पूरे यरूशलम में गदर मचा दिया। जो सामने दिखा हमास के लड़ाकों ने उसे गोलियों से छलनी कर दिया। क्या बुजुर्ग, क्या जवान, हमास के लड़ाकों ने सामने खड़े हर इजरायली को बेरहमी से अपना निशाना बनाया। हमास के महज 2 हमलावरों ने इजरायल में चीख पुकार मचा दी। हमास ने यह हमला यरूशलम में किया, उस यरूशलम में जिसमें इजरायल की जान बसती है, जिसे इजरायल अपनी राजधानी बताता है, जिसके लिए इजरायल मरने मारने के लिए तैयार रहता है। उस यरूशलम शहर की ठीक एंट्री पर घुसकर हमास ने कत्लेआम मचा दिया। वो भी उसी तरह जैसे करीब 2 महीने पहले 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने गाजा से इसराइल में घुसकर लोगों को मौत के घाट उतारा था। तब हमास के करीब 3,000 लड़ाके इसराइल में घुसे थे, जिन्होंने इसराइल में लगभग 1,200 लोगों की जान ले ली थी। मगर इस बार हमास ने अपने सिर्फ 2 लड़ाके भेजे, जिन्होंने इसराइल में 3 लोगों को मौत की नींद सुला दिया। यानी इसराइल के लोगों की जान लेने के लिहाज से हमास का यह हमला 7 अक्टूबर वाले हमले से भी ज्यादा घातक साबित हुआ, क्योंकि आंकड़े कहते हैं कि 7 अक्टूबर को तो हमास के हर 5वें लड़ाके ने इसराइल में 2 लोगों की हत्या की थी। मगर यरूशलम के हमले में हमास के सिर्फ 2 लड़ाकों ने ही इसराइल के 3 लोगों को मार डाला। उन्होंने 73 साल के एक बुजुर्ग की हत्या की, 67 साल की एक महिला को मार डाला और 24 साल की एक जवान महिला भी हमास के हमले का शिकार हो गई। हमास ने गाजा की सुरंगों से निकलकर इसराइल की सड़कों पर खूनी कोहराम मचाना शुरू कर दिया है और इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू इस हमले से पहले हमास पर हमला करने के लिए बड़ी बड़ी तैयारियां करने के दावे कर रहे थे। वो इसराइल के लोगों को कह रहे थे कि बस
एक बार हमास के चंगुल से सभी बंधक निकल जाएं, फिर इसराइल हमास पर वो बिजली गिराएगा कि किसी को हमास के वजूद के सबूत ही नहीं मिलेंगे। माना जा रहा है कि सीज फायर खत्म होने के बाद इसराइल का प्लान दक्षिणी गाजा में घुसने का है। उत्तरी गाजा में इसराइल तबाही मचा ही चुका है, इसलिए कहा जा रहा है कि अब इसराइल दक्षिणी गाजा के खान यूनिस जैसे बड़े शहर को टारगेट करेगा, क्योंकि हमास के बड़े बड़े कमांडर इसराइल के हमलों से बचने के लिए दक्षिणी गाजा में ही पनाह लिए बैठे हैं और याहिया सिनवार जैसे हमास के बड़े नेता के भी वहीं होने की आशंका है। लेकिन इसराइल की ये सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई और इसराइल के हमले से पहले हमास ने ही यरूशलम पर अटैक कर दिया। हालांकि हमास के दोनों लड़ाके तभी इसराइल के हाथों मारे गए, मगर उन्होंने इसराइल के 3 नागरिकों का दम निकालने के बाद ही अपना दम तोड़ा। 7 अक्टूबर का हमला इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला है, जिसने इसराइल को बुरी तरह झकझोर कर रख दिया। जिस इसराइल की ताकतवर सेना और जबरदस्त खुफिया तंत्र की पूरी दुनिया दाद देती है, उसे हमास के प्लान की भनक तक नहीं लगी। तभी से इसराइल की सुरक्षा व्यवस्था और उसके इंटेलिजेंस पर सवाल उठ रहे हैं, मगर उस हमले के बाद से तो इसराइल की पुलिस और सेना हाई अलर्ट पर है। इसके बावजूद हमास ने दोबारा इसराइल की सुरक्षा को भेद डाला और इसराइल इस बार भी बस देखता रह गया। इसराइल गाजा में बनी सुरंगों में हमास के लड़ाकों को ढूंढ रहा है और खून के प्यासे हमास के लड़ाके प्रेत की तरह इसराइल की सड़कों पर घूम रहे हैं। जो हमास अब तक इसराइल से बचने के लिए गाजा में जमीन के अंदर सुरंगें बनाकर अपना अड्डा चला रहा था, उस हमास ने अब इसराइल की सड़कों पर सर उठाकर हमले शुरू कर दिए हैं और इसराइल बेबस है। इसराइल बस सीज फायर की धुनी रमाने में लगा है, हमास की कैद से बंधकों को छुड़ाकर अपनी पीठ थपथपाने में लगा है, लेकिन वो अपने उन नागरिकों की ही हिफाजत नहीं कर पा रहा जो खुद इसराइल में मौजूद है। इसराइल हमास की कैद में रहे करीब 240 बंधकों की सुरक्षा की बात कर रहा है, उन्हें इसराइल लाने की बात कर रहा है और हमास इसराइल में घुसकर ही लोगों को मौत के घाट उतार रहा है। नेतन्याहू धमकी पर धमकी दिए जा रहे हैं कि उन्होंने भले ही सीज फायर किया है, लेकिन इसराइल की जंग खत्म नहीं हुई है, उसकी जंग जारी है और तब तक जारी रहेगी जब तक हमास मिट्टी में नहीं मिल जाता। אנחנו עושים כל מאמץ להחזיר את חטופינו ובסופו של דבר נחזיר את כולם. יש לנו 3 יעדים במלחמה הזאת. נחסל את החמאס, להחזיר את כל חטופינו. לכן חמאס תו סיז פייר כי פיראק מה היא בעתה תה. इसराइल सीज फायर में सुस्त पड़ गया, लेकिन हमास ने साजिशें बुनना बंद नहीं किया, वो इसराइल से बदला लेने की प्लानिंग में जुटा रहा। उल्टा इसराइल ने हमास के साथ सीज फायर एक दिन के लिए और बढ़ा दिया और सीज फायर बढ़ते ही हमास ने अपना रंग दिखा दिया। उसने बिल्कुल सोची समझी साजिश के तहत यरूशलम पर धावा बोला और इसराइल की चूलें हिलाकर रख दी। यरूशलम पर अटैक हमास की बहुत बड़ी कामयाबी है, ऐसी कामयाबी जो उसे 7 अक्टूबर को भी नहीं मिली थी। 7 अक्टूबर को हमास यरूशलम तक नहीं पहुंच पाया था, मगर इस बार उसने यरूशलम में खून खराबा किया, क्योंकि यरूशलम को इसराइल अपनी राजधानी बोलता है, जबकि फिलिस्तीन भी पूर्वी यरूशलम को अपनी राजधानी बनाना चाहता है, मगर इसराइल पूरे के पूरे यरूशलम पर कब्जा किए बैठा है। इसराइल और फिलिस्तीन के बीच यरूशलम विवाद की जड़ है, इसलिए हमास ने उसी यरूशलम पर हमला किया और इसराइल को चेतावनी दे डाली कि उसके यरूशलम पर राज के दिन अब लदने वाले हैं। हमास अपने इतिहास के सबसे मुश्किल दौर में है। हमास के लड़ाकों के सामने मरने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं बचा है। हमास को अब तक सबसे बड़ा धोखा मिला ईरान, जिसके दम पर हमास अब तक उछल कूद मचा रहा था, और हिजबुल्ला, जिसने हमास का साथ देने का पूरा पूरा वायदा किया था। दोनों ने इस महायुद्ध में हमास का साथ देने से इनकार कर दिया।
गाजा पट्टी की आग अभी खामोश नहीं हुई है। गाजा के आसमान का धुआं अभी छटा नहीं है। बारूद बनकर बरसने वाली मौत वैसी ही अब भी दस्तक दे रही है। सीज़फ़ायर की तारीखों के बीच गाजा की गलियों में अब भी सांस तोप के गोले के एक्शन पर आ रही जा रही है। पूरा गाजा इस वक्त शमशान में तब्दील हो चुका है। कोई नहीं है जो गाजा को बचा सके। हमास को इसराइल युद्ध में सिर्फ धोखा मिला है, ऐसा धोखा जिसने हमास को तोड़ कर रख दिया है। हमास के पास सरेंडर के अलावा इस वक्त शायद और कोई विकल्प नहीं है। किसने दिया हमास को इतना बड़ा धोखा? किसने दोस्ती कर हमास से दुश्मनी निभाई? पहले युद्ध में साथ देने का वादा किया और वक्त आया तो पीठ दिखाकर भाग निकला। गाजा की 20 लाख की आबादी के पास इतना नहीं है कि वो हमास जैसे संगठनों को पाले। उनके लीडरों को विदेशों में ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए फंडिंग करें। ये ईरान है, हिजबुल्ला है, जो हमास को फंडिंग करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, हथियार देते हैं, जिनके दम पर हमास इजराइल पर 7 अक्टूबर जैसा क्रूर हमला करता है। लेकिन इस बार ईरान ने हाथ खड़े कर दिए हैं, हिजबुल्ला ने भी हमास का साथ छोड़ दिया है। ईरान ने छोड़ दिया हमास का साथ, क्यों हिजबुल्ला ने भी छुड़ा लिए हमास से हाथ? इन दोनों सवालों के जवाब डिटेल में आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले हमास का विश्वासघात पर जो रिएक्शन आया है वो देखिए। उम्मीदों की लहलहाती फसल को जब धोखा की लहर मार जाए तो दुख बहुत होता है। हमास दुखी है क्योंकि हमास के सबसे बड़े नेता जब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई से मिला तो खामनेई ने उसे डांट दिया। तेहरान में सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई ने कहा कि हमास ने इसराइल पर भीषण हमले के पहले ईरान को जानकारी क्यों नहीं दी, इस वजह से ईरान गाजा युद्ध में शामिल नहीं होगा। ईरान जानकारी नहीं होने के पीछे जो छिपा रहा है वो कोई छोटी मोटी बात नहीं, बल्कि खौफ है। यह खौफ अमेरिका का है। अमेरिका को ईरान ने चारों तरफ से घेर लिया है। इसराइल के खिलाफ कोई भी एक्शन ईरान को मुश्किल में डाल सकता है। ईरान में भारी तबाही होती। लाल सागर में अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर आइजनहावर खड़ा है। भूमध्य सागर में अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर जेराल फोर्ड को तैनात किया है। इसराइल की सुरक्षा के लिए अमेरिका ने अपने सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमान आसमान में छोड़े हैं। मतलब इसराइल इस वक्त अमेरिका वाले कवच के भीतर है और इसे भेदने की हर कोशिश के खिलाफ अमेरिका का हमला निश्चित है। तो बात यह है कि ईरान डर गया है। हमास के समर्थन वाले तेहरान में लगे नारों के बीच आयतुल्ला खामनेई के पास हमास का हाथ छटक देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। पश्चिमी मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम ब्रदरहुड की नीतियों पर चलने वाले सुन्नी गुट हमास ने शिया ईरान और हिजबुल्ला के इसराइल के खिलाफ संयुक्त मोर्चा में शामिल नहीं होने के फैसले पर निराशा जाहिर की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हमास पूरे गणित को समझने में बुरी तरह से फेल रहा। गुलाम अली ईरान के खामनेई परिवार से ताल्लुकात रखते हैं।
गुलाम अली की बेटी की शादी खामनेई के बेटे मुस्तवा से हुई है। गुलाम अली जो कुछ कह रहे हैं वो ईरान के सुप्रीम लीडर की सोच ही है कि खाड़ी की बड़ी शक्ति ईरान बड़े लक्ष्य की ओर देख रहा है। इसराइल चाहता है कि गाजा युद्ध अमेरिका के बीच जंग में बदल जाए ताकि इसराइल को गाजा पर कब्जा करने का मौका मिल जाए। ईरान के एक पूर्व विदेश मंत्री मोहम्मद जावेद जारिफ को सुनिए। हमारा फिलिस्तीनी विरोध आंदोलन को समर्थन देने का मतलब ये नहीं है कि हम उनकी तरफ से युद्ध लड़ेंगे। ईरान के इसी रुख को देखकर हमास के आतंकी भड़के हुए हैं। ये जो युद्ध विराम की बढ़ती डेट आप देख रहे हैं ये इसीलिए है क्योंकि हमास के पास कोई और विकल्प ही नहीं बचा। युद्ध में नहीं कूदने का ऐलान कर ईरान ने बहुत सोची समझी कूटनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। एक्सपर्ट का कहना है कि बेशक जंग में नुकसान तो दोनों ओर का ही होगा लेकिन अगर इस युद्ध से किसी को फायदा मिलेगा तो वो सिर्फ ईरान होगा, लेकिन कैसे इसे समझना बहुत जरूरी है। इसके बाद हिजबुल्ला ने क्यों छोड़ा हमास का साथ इसके डिटेल दिखाएंगे। इसराइल गाजा में जितनी तबाही मचाएगा ईरान को फायदा होगा। नंबर वन, इससे सऊदी अरब और दूसरे खाड़ी देशों से इसराइल के संबंध बिगड़ेंगे। ये ठीक उस वक्त होगा जब अमेरिका की मध्यस्थता में सऊदी अरब और इसराइल एक दूसरे के करीब आ रहे थे। नंबर दो, गाजा में तबाही से फिलिस्तीन के दूसरे क्षेत्रों में विद्रोह शुरू हो गया है जो युद्ध को लंबे समय तक खींच सकता है। ईरान यही चाहता है कि इसराइल युद्ध में फंसा रहे। नंबर तीन, ईरान को अमेरिका से न्यूक्लियर मुद्दे पर ढील मिलने की संभावना पैदा होगी तो हमास की जीत में या हार में फायदा ईरान को होने जा रहा है। वैसे भी ईरान के लिए दोस्ती और दुश्मनी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हमास को ये बात अब समझ में आई है। ईरान इसराइल या अमेरिका का जानी दुश्मन रहा है और इसका बीज पड़ा 1979 में जब ईरान में तख्ता पलट हुआ जिसे ईरान की इस्लामिक क्रांति कहा जाता है। ईरान के मौजूदा शासक शाह रजा पहलवी को गद्दी से उतारकर शिया मुस्लिम नेता खुमैनी ईरान के प्रमुख बन गए। शाह के शासन में ईरान का अमेरिका और इसराइल से संबंध काफी अच्छे थे लेकिन खुमैनी ने सब कुछ बदल दिया। ईरान को इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दिया गया। उस समय से ही खुमैनी के शासन को एंटी अमेरिका और एंटी इसराइल कहा जाने लगा। ईरान ने इसका सबूत भी दिया। इसराइल के खिलाफ यमन के हुती विद्रोहियों का साथ दिया, लेबनान में हिजबुल्ला के साथ और गाजा में हमास को पाला पोसा। हिजबुल्ला की इसराइल से पुरानी दुश्मनी है और वर्ष 2000 में गोरिल्ला वार और 2006 में भी जंग लड़ चुका है लेकिन अब मामला उल्टा पड़ गया है क्योंकि ईरान युद्ध को स्वार्थ के चश्मे से दिख रहा है। लेकिन हिजबुल्ला ने क्यों नहीं दिया हमास का साथ? असल में हिजबुल्ला ईरान का वो घोड़ा है जिसकी लगाम आयतुल्ला खामनेई के हाथ है। हिजबुल्ला ने इसराइल पर रॉकेट हमले शुरू किए तो अमेरिका ने ईरान को पकड़ा और ईरान ने हिजबुल्ला को पकड़ लिया। लेकिन क्या यही सिलसिला आगे भी चलता रहेगा? खामनेई के राज में इसराइल और अमेरिका अनैतिकता, अन्याय, मुस्लिम समाज और ईरानी सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। लेकिन हमास जब मिटा जा रहा है तो ईरान दूर है क्योंकि उसे अपना फायदा दिख रहा है। नतीजा है कि जल गई पूरी गाजा पट्टी। ईरान और हिजबुल्ला चिंगारी से हाथ सेकते रहे। जिस अल-अक्सा मस्जिद को 7 अक्टूबर के हमले की वजह बनाकर हमास ने 1400 इसराइलियों को मार डाला, हमास इसराइल के खिलाफ अल-अक्सा मस्जिद की घटना के बाद मुस्लिम वर्ल्ड के बीच यूनिटी बनाने में सफल रहा था। सऊदी अरब हो या कोई भी अरब देश, इसराइल के खिलाफ सबने हमास का साथ दिया लेकिन युद्ध में मिस्र के रास्ते आने वाली मानवीय सहायता के अलावा हमास को किसी ने कुछ नहीं दिया। 15,000 फिलिस्तीनी मारे गए और ईरान हिजबुल्ला मूक दर्शक बने देखते रहे। ईरान ने यह फैसला कर लिया है कि अगर हमास फेल भी हो गया, नाकाम हो गया, तो वो इसराइल को किसी भी कीमत पर छोड़ेगा नहीं। ईरान ने रूस को ऐसे हथियार यहां पर मिलने वाले हैं जिनसे पहला हमला इसराइल और अमेरिका के अड्डों पर किया जाना फाइनल भी हो चुका है।
पश्चिम एशिया जल रहा है और अब इस आग में नए शोले भड़काने का साजो सामान तैयार हो चुका है। इसराइल और अमेरिका के लिए बहुत बुरी खबर ईरान से आई है। ईरान को मिलने जा रहा है सुखोई 35 फाइटर जेट और Mi-28 अटैक हेलीकॉप्टर। रूस से दोनों हथियार मिलने जा रहे हैं। इसके अलावा रूस से ईरान को याक 130 ट्रेनर जेट भी मिलेगा, जिससे ईरान के फाइटर पायलट्स की ट्रेनिंग और बेहतर हो जाएगी। सवाल है कि ये ताकत मिलने के बाद अब इसराइल से कैसे टकराएगा ईरान। पश्चिम एशिया में ईरान की फाइटर गोलाबंदी शुरू हो चुकी है। जब इसराइल और हमास के बीच युद्ध खत्म नहीं हुआ है और नेतन्याहू कह चुके हैं कि हमास के एक एक कमांडर को चुनकर मारेंगे, तब इस युद्ध का लंबा खिंचने की पूरी गारंटी है। गाजा की आग कैसे पूरे पश्चिम एशिया को जला सकती है, इसका एक महीने का ट्रेलर पूरी दुनिया ने देखा है। 15,000 लोगों की मौत तो सिर्फ शुरुआती कही जा सकती है, क्योंकि इसराइल का बॉम्बिंग मिशन अब गाजा से निकलकर बाहर भी जा सकता है और इसका सबसे बड़ा टारगेट अगर कोई बन सकता है तो वो है ईरान और साथ में वो मिलिशिया जो ईरान के साथ है। इसीलिए सुखोई 35 और Mi-28 अटैक हेलीकॉप्टर को लेकर रूस और ईरान की डील पर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। सवाल है कि सुखोई 35 जैसे लॉन्ग रेंज फाइटर के टारगेट पर कौन सा देश होगा? क्या इस फाइटर जेट के टारगेट पर खाड़ी में अमेरिका के अड्डे होंगे या फिर ईरान अब इसराइल पर हमले के लिए तैयार हो रहा है? इससे पहले रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि ईरान के पायलट रूस के आधुनिक फाइटर जेट सुखोई 35 पर ट्रेनिंग भी ले चुके हैं और अब जल्दी ही ईरान को इन लड़ाकू विमानों की डिलीवरी भी मिल सकती है। जो रिपोर्ट्स मिल रही हैं उनके मुताबिक शुरुआत में ईरान को रूस से 24 सुखोई 35 फाइटर जेट मिल सकते हैं। तादाद तो इनकी कम लगती है, लेकिन ऐसे फाइटर ईरान की एयरफोर्स को गजब की ताकत देंगे, इसमें कोई शक नहीं। इस वक्त ईरान की एयरफोर्स को वो रेंज चाहिए जो इसराइल तक उसकी पहुंच आसान कर दे। इस वक्त ईरान की एयरफोर्स को नए टेक्नोलॉजी वाले फाइटर जेट चाहिए जो इसराइल और अमेरिका के जेट से टक्कर ले सकें, उन्हें दूर से ही टारगेट कर पाएं। इस वक्त ईरान को ऐसी फायर पावर चाहिए जो उसकी जमीन पर हमला करने वाली बड़ी फोर्स को मिटाकर रख दे। यानी ईरान के फ्रंट पर देखा जाए तो उसे इसराइल तक यानी करीब 1800 किलोमीटर की रेंज में ऑपरेट करने वाला एक फाइटर जेट चाहिए। सुखोई 35 के आने से ईरान की जरूरत काफी हद तक पूरी हो जाएगी, साथ में उसे अपने समुद्री मोर्चे पर घुसपैठ करने वाली फोर्स को रोकने के लिए अटैक हेलीकॉप्टर भी चाहिए और उसकी ये डिमांड Mi-28 जैसा अटैक हेलीकॉप्टर पूरी करेगा। यानी अगर ईरान पर वैसे ही हमला हो जैसे 2003 में इराक पर हुआ तो उसके अटैक हेलीकॉप्टर हमलावर फौज को रोक सके। इनमें सुखोई 35 ऐसा कमाल का फाइटर जेट है जिसका इस्तेमाल रूस अभी यूक्रेन के खिलाफ भी कर रहा है और लॉन्ग रेंज टारगेट्स के अलावा एयर डोमिनेंस में इस फाइटर का कोई जवाब नहीं। इस फाइटर जेट के मुकाबले में यूक्रेन के पास भी कुछ नहीं है और इसे रोकने के लिए जेलेंस्की फिलहाल नेटो से मिले एयर डिफेंस सिस्टम पर ही निर्भर है। इसीलिए सुखोई 35 और इसकी फायर पावर की कुछ खास बातें जान लीजिए, आपको इस वेपन सिस्टम के टारगेट समझ में आ जाएंगे। रूस अब सुखोई 35 की बहुत ही आक्रामक मार्केटिंग भी कर रहा है। सुखोई 35 चौथी जनरेशन के आगे का लड़ाकू विमान है। सुखोई 35 बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसमें पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे रडार लगा है जो 400 किलोमीटर के दायरे में टारगेट को पहचान सकता है। कुल मिलाकर ये भारत के सुखोई 30 MKI का आधुनिक रूप है जिसमें ज्यादा मजबूत इंजन है। ये थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल के साथ क्लोज एयर कॉम्बैट में दुनिया का सबसे बेहतरीन जहाज कहलाया जाता है। इसकी सटीक बॉम्बिंग सीरिया और यूक्रेन में मिसाल बन चुकी है। ये वो फाइटर है जिसने सीरिया में ISIS की कमर तोड़ दी। ये वो लड़ाकू विमान है जिसे पुतिन का अहंकार बताया गया, जिस फाइटर को दुनिया की कई एयरफोर्स खरीदना चाहती है। रशियन एयरफोर्स के पास अभी 100 से ज्यादा सुखोई 35 है। ये यूक्रेन में पुतिन के स्पेशल एयर ऑपरेशन का सबसे अहम हिस्सा या कहें रूस के एयर स्ट्राइक मिशन का लीडर बना हुआ है। 2024 तक रूस की एयरफोर्स को ऐसे 30 और जहाज दिए जाने की तैयारी है
इसीलिए कहा जा सकता है कि रूस का ये जहाज बहुत स्पेशल है, जो ईरान के एयरफोर्स की मौजूदा फायर पावर को कई गुना बढ़ा देगा। चीन ने भी इसी फाइटर जेट में भरोसा दिखाया है। चीन अब तक सुखोई 35 का सबसे बड़ा ग्राहक रहा है, उसके पास ऐसे 24 जहाज हैं। ईरान और रूस की इस डील पर इजराइल की बहुत पैनी नजर है। इजराइल के पास ईरान से कई गुना बेहतर फाइटर जेट है, उसके पास F-35 स्टेल्थ फाइटर भी है, उसके पास F-16 और F-15 जैसे लड़ाकू विमान भी है, लेकिन इसके सामने सुखोई 35 आया तो बराबरी की टक्कर दे सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। फिलहाल पूरा खेल गाजा को बचाने का है और नेतन्याहू नहीं चाहेंगे कि उनका एंटी हमास मिशन किसी भी तरह से कमजोर पड़े, चाहे इसमें कितना भी वक्त क्यों ना लग जाए। अगर इजराइल के एंटी हमास ऑपरेशन में कोई देश रुकावट बन सकता है तो वो है ईरान, और ईरान के मजबूत होने का मतलब है कि इजराइल की अपने दुश्मनों पर पकड़ कमजोर पड़ जाएगी। ईरान के पास सुखोई 35 आएगा तो जाहिर है कि ईरान ज्यादा ताकतवर बनेगा, और इसकी बड़ी वजह रूस ही है, क्योंकि आज वो ईरान को अपना सबसे खतरनाक फाइटर जेट देने को तैयार है। देखा जाए तो चाहे फाइटर जेट हो या फिर ड्रोन, रूस और ईरान ने अपने रिश्तों को बहुत शातिराना तरीके से ढककर आगे बढ़ाया है। यूक्रेन युद्ध में पुतिन इतनी तबाही कभी नहीं मचा पाते अगर ईरान ने रूस की मदद ड्रोन देकर ना की होती। इसीलिए यूक्रेन में रूस ईरान के ड्रोन से बहुत बड़ा मैसेज लगातार देते रहे हैं। इससे साफ जाहिर है कि रूस और ईरान के बीच रिश्ते बहुत ही सीक्रेट रहे हैं। यही वजह है कि ईरान और रूस के बीच संबंधों से अमेरिका और इसराइल दोनों बौखलाए हुए हैं। एक तरफ से अब पुतिन ने युद्ध वाला कंट्रोल ईरान में शिफ्ट कर दिया है। अब ईरान और सऊदी अरब के समझौते या कहें कि तनाव कम होने से दो देशों को सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है। इनमें से जाहिर है कि एक अमेरिका है और दूसरा इसराइल है। इसराइल को उम्मीद रही है कि ईरान को एक साझा दुश्मन साबित करके वो सऊदी अरब की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा सकता है, लेकिन अब ईरान और सऊदी अरब का समझौता इसराइल के ख्वाब पर पानी फेर सकता है, क्योंकि सऊदी अरब नहीं चाहेगा कि ईरान से उसके सुधरे हुए संबंध इसराइल की वजह से फिर खटाई में पड़े। ईरान की एयरफोर्स जिस तरह से मजबूत हुई है उससे सऊदी अरब को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब इसराइल में ईरान वाली खतरे की घंटी बजने लगी है।